हमारे साथ जमुई के महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास जी है, हम इनसे बातचीत करते हैं। केडीएल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है मैडम, जमुई में आप लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, वहाँ चुनाव हो गया, अभी यहाँ चुनाव है, क्या लग रहा है यहाँ देख कर, सभा को देख कर? देखिए, हम लोग आज 4-5 दिनों से सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं। घूमने के दरमियान लोगों में जो उत्साह नजर आ रहा है, जो लोगों में भरोसा कुमारी अनीता जी के लिए जगा है, निश्चित रूप से वो लोग समझ रहे हैं कि अगर कुमारी अनीता जी यहाँ से जीतती हैं तो मुंगेर का विकास होगा, लोगों का मान सम्मान फिर से वापस मिलेगा। और जनता बहुत उत्साहित है, हर लोग उनके साथ उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, ऐसा लोग हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं हर जगह। स्टार प्रचारक विपक्ष वाले उतार रहे हैं, उसका सामना कैसे करेंगे आज लास्ट चुनाव? देखिए, स्टार प्रचारक से बात नहीं बनती है, बात काम करने से बनती है, विकास करने से बनती है। जनता इतने दिनों से देख चुकी है कि जो यहाँ वर्तमान सांसद रह चुके हैं इतने दिनों से, क्या विकास हुआ है और क्या स्थिति क्षेत्र की हो गई है, तो उस चीज़ को ध्यान में सब रखे हैं और किसी के बहकावे में इस बार कोई नहीं आने वाले हैं। जनता अब जाग चुकी है और इस बार विकास के नाम पर वोट देगी और बेरोजगारी के नाम पर वोट देगी कि बेरोजगारी भगाओ और नौकरी लाओ। अरे, बेरोजगारी भगाओ नौकरी लाओ, इनका कहना कि जिसमें नौकरियां दे रहे थे उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो उनका भी हिस्सेदारी इसमें होता, भागीदारी होता, नाम सिर्फ एक। देखिए, हमारे चाचा जी उससे पहले भी 17 साल से सत्ते में थे, उस समय क्यों नहीं दिए, इन्हीं 17 महीनों में क्यों दिए? आप तो सुन चुके होंगे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि वो थके हुए मुख्यमंत्री को दिलवाया गया है, करवाया गया है, तभी वो नौकरी देने का काम किए, उनके थ्रू हमारे नेता ने करवाया है। इस बार देख रहे होंगे मुंगेर में कहा जाता है आनंद सिंह को निकाल दिया, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या किस देखने को मिलेगा? किसको निकाल दिया? आनंद सिंह को मुकामा में निकाल दिया पेरोल से, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बार आपको यही बता रहे हैं, विकास के नाम पर वोट हो रहा है और नौकरी चाहिए हर बेरोजगार जो युवा भाई जितने हैं, इस बार जाग चुके हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं चलने वाला है। कोई आ जाए, किसी मोदी जी का तो चलने ही नहीं वाला है, तो उनके सामने और किसका चलेगा? यहाँ मुंगेर में लगभग कितने बहुमत से आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलेंगे, और जमुई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वास्तविक आंकड़ा जो है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं। हम लोग का बस ये देख रहे हैं, जनता का उत्साह जो नज़र आ रहा है उससे पता चल रहा है कि हम लोग बहुमत से यहाँ सीट RJD की निकलेगी। मुंगेर वासियों से लास्ट जाते जाते क्या अपील करना चाहते हैं? आपके माध्यम से यहाँ के सभी मुंगेर वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि कुमारी अनीता जी जो हैं बहुत कर्मठ जुझारू महिला हैं, जिस तरह से महिला को सम्मान दिया है पार्टी ने, आप लोग उसका भरोसा और लाज को रखें, और विकास चाहते हैं तो विकास के नाम पर आप राष्ट्रीय जनता दल को कुमारी अनीता जी को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।